हेलो फ्रेंड्स, अनदर डे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय युशी। सो ये जो रूम है, यहाँ पर जब मेरी सास जी हुआ करती थी उस टाइम पे पूजा का स्थल था। उसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए यहाँ पर हमने दिया जलाया है और उसको पूजा का स्थान ही रखा है। और सबसे पहले घर में दिया जलाने के बाद अब हम जाएंगे अपने इष्ट देव और अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। ये हमारी भगवती हैं, दुर्गा देवी। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे दुर्गा माँ के। आहाना जो हमारे देवी के साथ भैरवनाथ जी रहते हैं, उनमें बत्ती जलाने गई है बाहर। अपडेट ये है, दीदी लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए पूरी और अचार बना दिया गया है सो दैट अगर हमें भूख लगेगी तो हम जाएं खा लेंगे। एंड आहाना मैडम एक्साइटेड हो रखी हैं क्योंकि इनके अक्षत भैया भी चल रहे हैं हमारे साथ। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी सिद्ध बाबा के लिए। 8:12 हो रहे हैं सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे साथ हैं यहाँ पर जियाल जी, पीछे जियाल जी की चाची जो कि पलेठा में रहती है, पास ही में गांव है। और चाची हमें स्कॉट कर रही हैं एंड चाची के पीछे है आहाना एंड आहाना के भैया अक्षत भैया। आहाना आगे निकल चुकी है, आहाना आगे निकल चुकी है, आराम से चलो, आराम से। काफ़ी एक्साइटेड हो रखी है आहाना जी। आल वो कह रही है मुझे धरे गांव से, अपने मम्मी के गांव से ज़्यादा अच्छा अपना दादी का गांव लग रहा है, जो कि लगना भी चाहिए। कल से बहुत मस्ती हो रही है उसकी, उसको बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है। एंड सबसे अच्छी बात, बिना टीवी के बिना फ़ोन के अपना एंटरटेनमेंट खुद कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट। अभी अभी चाची से मेरी इन्फॉर्मेशन के द्वारा मैं आपको बता दूं, ये हमारी गौशाला थी और ये इस गौशाला को हाथी ने तोड़ा है ना चाची। हाँ, ये देखिए हमारा हाथी तोड़ हुआ। हाँ, ये देखो हाथी ने क्या हाल कर दिए। अब इंसान नहीं रह रहे चाची, तो जानवर तो आएंगे ही ना, ऊन तो आने ही चाहिए। ये तो नहीं तोड़ी, सब तोड़े ये तो भी। हाँ, ये तो थोड़ा होलिया ठीक लगनू मीते। हाथी ने सोचा इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं करते हैं तो ये साइड से नहीं तोड़ा, ये बीच से तोड़ा है यहाँ से। वेरी गुड, चाची हमें लाइव अपडेट दे रही है हाथी के करे हुए नुकसान की। इसको नहीं छुआ चाची हाथी ने, चलो कृपा बरसाती इसको नीचे। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, रास्ता काफ़ी लंबा है और कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई भी है, तो मैंने डंडा ले लिया है। डंडा लेते लेते हम चढ़ेंगे ऊपर। तूने मुझे बुलाया सिद्ध बाबा, मैं आया हे सिद्ध बाबा। देखिए मेरे साथ मेरी पूरी गैंग चल रही है साथ साथ, आगे आगे, स्टार्टिंग विद चुन्नू, देन श्रेय, देन मामी एंड देन कैमरा मैन अक्षत। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि जो आप ये पिद्दे लोग देख रहे हैं, हम इनकी मामी लगते हैं। आप तो पिद्दे ही हो मेरे बराबर, एक्सक्यूज मी, कीप मूविंग। रिश्ते में हम इनकी मामी लगते हैं फ्रेंड्स एंड मामी तो ये एस्कॉर्ट कर रहे हैं। एंड मामी अभी थकी नहीं है, मामी मिलेगी आपको ऊपर पहुंच के। ये देखिए गाइस, एक ब्लॉगर को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक लंबा सा डंडा देना पड़ता है सो खुद के जितनी हाइट हो जितनी, और फिर थोड़ा बीपी हाई, उसके बाद बीच में गप्पे बीमार नहीं होते हैं और उसके बाद चलना होता है। सो फ्रेंड्स, वहाँ से अभी तक हम चल गए हैं, आई थिंक कितने किलोमीटर चल गए होंगे हम, डेढ़ किलोमीटर हम चल गए हैं, चले आए हैं एक किलोमीटर और इस एरिया से हमने चढ़ाई 1.5 किलोमीटर की कर ली है। अब यहाँ से ना हम आए हैं उतनी ही ढलान है, सब रास्ता इजी होगा। हाँ, मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी बीच में, सांस फूल गई थी और मम्मी 10 मिनट यहाँ पूरे रास्ते पर रुक के आ रही है। मेरी तारीफ और कुछ चुगली करनी है आपने मैडम। मेरी तारीफ में दो शब्द, इस एरिया का बोलते हैं खाल
और ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी चाची या सास, ये उनका घर है। यहाँ पर अकेले रहती हैं हमारी चाची, हमारी अकेले रहती हैं। देखिए आप दूर दूर तक इन जंगलों के बीच में कोई भी घर नहीं है और चाची यहाँ पर अकेले रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ पर कि जो अकेले रहती हैं इनको शक्ति पहली बार, चाची उम्र के आपकी 71 साल की उम्र में अकेले रहने की शक्ति पहली बार कौन दे रहा है? और एक, क्या हम जैसे इंसान या कोई भी इंसान अकेला रह सकता है जंगल के बीच में? तो वो सिद्ध बाबा हैं, आज जो हमारे सिद्ध बाबा हैं वहाँ पर जो दिया बत्ती है सब कुछ हमारी चाची करती हैं। एक तरह से जो परंपरा है उसको जो कंटिन्यू रख रखा है वो हमारी चाची ने ही रख रखा है। तो ये हैं हमारी चाची, इनको मैं और हम ज़्यादातर लोग, हम सब इनको खाल वाली चाची के नाम से भी बुलाते हैं। तो बाबा ने कृपा बरसा दी, थोड़ा मौसम ने भी साथ दे दिया, अब धूप नहीं है और अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। जाते हैं आगे। ये तो बोलो मैं मौत को चुके टक से वापस आ गई। फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आम के पेड़ के नीचे छाँव में और सारे बच्चों के रिव्यूज लेते हैं कि इनको कैसा लगा। हाँ ना, आपको थकान लगी कहीं? डिड यू टायर्ड? हाँ, मुझे बीच बीच में बहुत लग रही थी पर अब नहीं लग रही है। एंड श्रेया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। मेरे को बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा चल के, तो मैंने अपने जो शूज़ पहने थे वो शूज़ मैंने बोला इसको तू मेरे शूज़ पहन, मैं चप्पल पहनूंगी। मैंने चश्मा जो मेरा था मैंने अक्षय को बोला चश्मा तू लगा, क्योंकि बहुत पसीना आ रहा था तो कुछ मन कर रहा था काफ़ी लाइट हो जाऊँ। और घड़ी मैंने मेरे पहनी थी तो मैंने चुन्नू को बोला चुन्नू आप पहनिए घड़ी, और काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। और हाँ, ये श्रेय अक्षय जो है ये कल भी गए थे और ये आज वापस आ रहे हैं हमारे साथ, सो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम। एंड अक्षत, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? मेरा तो जैसा कल का था जैसे। थकान लगी? नहीं, थकान तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। और एक और आप बता दो, जो कैमरा मैन है और अक्षत, ये लोग मामी की बहुत केयर कर रहे हैं। आधे रास्ते तक मुझे जो चुन्नू है वो हाथ से पकड़ पकड़ के लेके आया, जो कि सच है, एंड इसीलिए मैं भी इतना चल पाई हूँ। और जियाल जी से पूछेंगे, जियाल जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? बहुत सुंदर, मस्त। थकान लगी कि नहीं लगी? ये वही प्राणी है, ये वही प्राणी है जब हम निकल रहे थे तो इनकी सांस फूल रही थी, पर अभी कह रहे हैं कि इन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही बिकॉज द कैमरा इज ऑन। एंड पीछे से हमारी चाची जी आ रही हैं अपने घर से नमक और चीनी लेके हमारे लिए। और हम वहाँ से पूरा यहाँ तक आ गए हैं, फाइनली हमको एक जगह पानी मिल गया है, यहाँ पानी पी के यहाँ से सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे हम। यहाँ हम सब पानी पी रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं वापस मंदिर के लिए। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सिद्ध बाबा पे। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। सो बाकी आप लोगों को फिर दिखाएंगे कैप्चर करके, फिर हम प्रसाद पाएंगे। सिद्ध बाबा का प्रसाद खाने के बाद पूरी और अचार के मजे लिए जा रहे हैं। सो हम लोग निकले थे अपने घर से 8:12 पे
और अभी 10:46 हो रहे हैं। हम लोगों ने पूजा कर ली है, प्रसाद खा लिया है, पूरे दर्शन कर लिए अच्छे से, और अब हम वापसी करेंगे यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, दर्शन करके मठू मठू करके चलते हैं। अभी यहाँ से जहाँ तक चाची का घर है वहाँ तक चढ़ाई है, वहाँ से नीचे को गांव के लिए हम उतरेंगे, वाइसी वर्षा जैसे हम आए थे उसका ऑपोजिट। ये हमारी चाची पीछे से आई हैं मेरे लिए लट्ठी लेके, बुआरी का ख्याल रखते हुए हमारी चाची। बीच में हमारे पास नींबू नहीं था तो चाची ने पानी और नमक का घोल बना के हमें पिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद चाची। चाची की बदौलत ही हम दर्शन कर पा रहे हैं सिद्ध बाबा के। थैंक यू बाबा, ये थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने 20 से 25 मिनट में सिद्ध बाबा से ये जो एरिया है खाल, यहाँ तक अपनी दूरी तय कर ली है। मैं, मेरे साथ कैमरा मैन है चुन्नू, मेरा भांजा। फाइनली फ्रेंड्स, हम घर पहुँच चुके हैं। 10:46 पर हम सिद्ध बाबा से निकले थे, और टाइम दिखाइए प्लीज़। 11:33 पे हम पहुँच चुके हैं घर अपने गांव। एक घंटे से पहले पहले हम गांव पहुँच गए, और वहाँ जो आप टावर देख रहे होंगे उस टावर से उतना ही नीचे हम लोग गए थे, और अब हमने वापसी की यात्रा भी तय कर ली है। वापसी में बहुत अच्छा रहा, पौने घंटे में पहुँच गए। अब एक बॉटल ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर एक बार नहाएंगे, तब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे